कंजना जी, आज तक मैंने कभी आपको ये नहीं कहते सुना जब शशि थरूर ने कहा था 2017 में कि अरे हमारा तो मुद्रा इतना विश्व में फेमस हो चुका है कि हमारी चिल्लड़ भी मानुषी चिल्लड़ मिस वर्ल्ड बन चुकी है। तब कांग्रेस के नेता कहाँ थे जब दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को टंचुवाल कहा था, जिस दिन जयप्रदा के खिलाफ बोला गया था मुखर्जी के, उस दिन भी हमने शो किया था प्रणब मुखर्जी, जिस दिन बेटे शशि थरूर ने कहा था तब भी हमने शो किया था। तो ये जो पक्षपात वाला तर्क है ना, इसको साइड कीजिए, इसको साइड कीजिए और आज के टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री है एक राज्य के और आप भी संजू जी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं। ये नुपुर मेहता क्यों, नुपुर मेहता क्यों, नुपुर मेहता, नुपुर मेहता, आपने सुनी उनकी दलील है? हाँ जी अंजना जी, स्वीकार है ये जी, मैं सारी जी बिल्कुल नहीं, पर संजू जी ने अभी नेशनल न्यूज पे आके उनकी तरफ से माफी मांगी उनके कहने पे, ये मैं इसका आदर करती हूं, पर इनकी संजू जी की माफी से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि तीरथ जी को एक माफी याचिका अपनी अर्जी देनी चाहिए और ये बिल्कुल ही बहुत शर्मनाक बात है कि आज एक लड़की को उसके चरित्र की जजमेंट उसके पहनावे से करी जाती है, उसकी कामयाबी से नहीं, उसकी विचारों से नहीं, उसकी जीत से नहीं, उसकी सोच से नहीं, उसके काम से नहीं, पर उसकी फटी हुई जीन्स से और गम बूट से उसके उसका चरित्र पहचाना जाता है। ये फटी हुई जीन्स है अंजना जी, या फटी हुई सोच है, या फटा हुआ दिमाग है, या फटी हुई मानसिकता है? आज 2021 में लड़की चांद तक पहुंच गई है, अमरीकी पार्लियामेंट में अपना एक स्थान बना चुकी है। संजू जी मुझे बोल लेने दीजिए, आप मेरे समय पे नहीं बोल सकती हैं। आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी करी है, शर्मनाक है। उनको अपनी बात पूरी करने, पूरे भारत में पूरी सारी महिलाएं बोल रही हैं, शर्मनाक टिप्पणी करी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या तीरथ जी लड़कियों के कपड़े देखते रहते हैं? क्या उनको लड़कियों को देखने में इतना आनंद आता है, इतना उनका इंटरेस्ट रहता है लड़कियों को देखने में? किस तरह का चरित्र है तीरथ जी का? और अगर आप उनका अगर समर्थन करती हैं, संजू जी आप बोल लीजिए, आप शायद सुनने के लिए नहीं आई हैं, सिर्फ बोलने के लिए आई हैं डिबेट में। और अगर आप तीरथ जी का समर्थन करती हैं, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, सारे आदमी मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। संजू जी चाहिए, आपने अपनी बारी में दो दो सवालों के जवाब दिए हैं, बाकी लोगों को भी बोलना है, प्लीज इस तरह से इसको वो मत कीजिए प्लीज। अगर आप संस्कारों की बात करती हैं, मैं संजू वर्मा लगातार मत बोलिए, आपकी बारी आए तब बोलिए, एक सभ्य बहस की कम से कम हम सबको मर्यादा रखनी चाहिए। आवाज नीचे कीजिए, बात पूरी कीजिए नुपुर मेहता, दो लाइनों में, फिर मैं गीता जी आपके पास। इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हमको लिबर्टी है कुछ भी पहनने की, हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी महिलाओं का इतना आदर करते हैं, नारी शक्ति, नारी का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नारियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं? संजू जी शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती हैं। गीता भट्ट जी को लज्जा करिए, आप भी एक महिला हैं। गीता जी, क्या संस्कार के नाम पर ये कह देना कि उस महिला की जीन्स फटी थी इसलिए वो अच्छी माँ नहीं है, क्या संस्कार से ऐसे पहनावे को जोड़ देना? इतने हल्के हैं हम, क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी भाषा स्वीकार्य हो सकती है? एक राज्य के मुखिया है वो, मिस भट्ट। इसके बाद सोना में फौरन आ रही हूँ, संजू जी प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन आप लगातार बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है, हमारे दर्शकों का वक्त बहुत बहुमूल्य होता है, एक वक्त पर एक ही व्यक्ति बहस में बोल सकता है, दोनों बोलेंगे आवाज नहीं जाती है, प्लीज तू तड़ाक वाली बहस से मत बनाइए, बारी बारी से बोलिए। गीता भट्ट, गीता जी 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 अंजना जी, देखिए एक जिस हमारी जो एक भारतीय संस्कृति और परंपराएं हैं, अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई जो फटा वस्त्र पहन के अगर कोई घर से निकले, आप ही या मैं ही निकलूं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े हैं वो अशुभ इसको मानते हैं और उस पर एक बुरी बात मानते हैं कि इसे कोई भी फटा वस्त्र नहीं पहना जाए। तो कई जो आज जो लोग भारतीय परंपराओं में या उस संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं, उनके अंदर ये भाव आता है जब कभी वो इस प्रकार की किसी को, ये नहीं, देखिए हर महिला को ये अधिकार है कि वो जो वस्त्र पहनना चाहे पहन सकती है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, वी आर इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो विषय वो नहीं है, लेकिन उसको किसी एक संदर्भ में जिस विषय को कहा गया तो कहीं ना कहीं
देखिए कि जब विश्वविद्यालय में कोई पढ़ाने जाता है तो कोई भी जो अध्यापक है वो चाहे तो अपने जो है हिप्पी क्लोथ्स पहन के जा सकता है कक्षा में, उसको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में अध्यापक को देखते हैं, तो एक शिष्टाचार जो है उस शिष्टाचार के अंतर्गत एक ही अपेक्षा रहती है कि आप अपने आप को किस तरह से वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी भी जगह